नहीं कहना चाहिए। चलिए भगवान नोआ का इंतजार करते हैं इस बोर्ड आगे बढ़े हैं। जब ये हो जाती है पूरी तो पूरी धरती, मैं अगली क्लिप ले रहा हूँ। लगातार 40 दिन और 40 रातों तक बारिश होती रहती है, सब कुछ पानी के अंदर ही। स्टार्ट कर, भगवान नोआ का इंतजार करते हैं इस बोर्ड को। ये अब ये गॉड ने डिसाइड किया कि खत्म करना है, तो फिर नोआ के बाद जमाने में खत्म करने की बात आई। तो यहाँ पे बात समझिए कि नूह अलैहिस्सलाम, जो हम नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं, उनकी कौम के लोग, वो जो लोग थे उस जमाने में जो बसते थे, वो लोगों को सही बात क्या है बहुत डिटेल में अच्छे से बताया गया, बार बार बताया गया, क्लियरली बताया गया। उन्होंने इनकार किया, रिजेक्ट किया सच्ची बात, सही बात गॉड अलमाइटी के बारे में, ऊपर वाले के बारे में। आखिर में जाकर उनका एक वक्त आया जब उनके लिए सजा थी। ये वो नहीं है कि उस गॉड को अफसोस हुआ कि मैंने इंसानों को क्यों बनाया, ये वो बात नहीं है। हाँ जी, पूरी धरती पर बाढ़ आ जाती है, कहीं कुरान में नहीं है, ये बिब्लिकल वर्जन है। कुरान में कहीं नहीं कि पूरी धरती पर आती है। हाँ ये है कि उस जमाने में बसने वाले सारे लोग मर गए, लेकिन हमें ये बात समझ में आती है कि धरती के एक बाज हिस्से पर इंसान उस जमाने में बसा करते थे। अगर आप साइंटिफिकली भी देखो कि शुरू से ही ऐसा नहीं है कि सारे इंसान पूरी दुनिया में फैले हुए थे, पहले दुनिया के एक लिमिटेड एरिया में थे, फिर वहां से आहिस्ते आहिस्ते बढ़ते बढ़ते इंसान बाकी इलाकों में पहुंचे। तो ये अर्ली जमाने की बात हो रही है, तब उस जमाने में जिस इलाके में इंसान बसते थे उस जमाने में, उस जमाने के इंसान सारे के सारे डूब गए इस फ्लड में। क्यों? अपने कारनामों के नतीजे के तौर पर, और ये ऊपर वाले ने भेजा है एक इंसानों के लिए इबरत के तौर पर। इस दिन और 40 रातों तक बारिश होती रहती है, सब कुछ पानी के अंदर डूब जाता है धरती पर 150 फुट तक, लेकिन नोआ की जो बोट थी, नोआस आर्क, ये पानी पर तैरती है अब सब ध्यान से सुनिए, मैं कोई एक अहम बात बताने वाला हूँ। ये हिंदू स्क्रिप्चर्स के अंदर राजा मनु की कहानी के अकॉर्डिंग ये मछली एक्चुअली में मत्स्य थी, भगवान विष्णु का अवतार। ये मछली राजा मनु से कहती है कि एक बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है, सब खत्म हो जाएगा, एक बोट बना लो बचने के। तो राजा मनु एक बहुत बड़ी बोट बनाते हैं जिसमें कई लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट्स और सब ऋषि को रखा जाता है, और जब ये ग्रेट फ्लड आता है तो ये बोट में जिंदा बच जाते हैं और मत्स्य का अवतार उन्हें माल्यास की ओर सेफली रास्ता दिखाता है। अब और भी माइंड ब्लोइंग चीज ये है दोस्तों कि मेसोपोटामिया की जो एंशियंट सिविलाइजेशन थी, वहां मिले स्क्रिप्चर्स में भी एक सिमिलर कहानी लिखी गई है, सुमेरियन एपिक ऑफ गिलगामेश की कहानी। यहाँ पर एक ग्रेट सेज पुतना पुस्तक को वार्निंग मिलती है आने वाले ग्रेट फ्लड के बारे में, और वो अपने रिलेटिव्स, लिविंग क्रिएचर्स और खाने को बचा लेते हैं बड़ी सी बोट। इतना ही नहीं, ग्रीक माइथोलॉजी में गॉड ज्यूस के गुस्से की वजह से एक ग्रेट फ्लड आता है। ड्यूकैलियन को बताया जाता है इस फ्लड के आने के बारे में उनके पिता प्रोमेथियस के द्वारा, और ड्यूकैलियन और उनकी पत्नी एक बोट बनाकर इस फ्लड से बच निकलते हैं। तो ये जो बात आई और बहुत सूटेबल बात ये थी कि इन्होंने जो अलग अलग स्क्रिप्चर्स से, अलग अलग रिलीजन्स में, हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन से जो बातें लाकर डॉक्यूमेंट्री तौर पर आप सबके सामने प्रेजेंट किया, इससे क्या बात समझ में आती है? देखिए, ये जो फ्लड हम बात कर रहे हैं, ये ग्लोबल फ्लड है, और सारे जो इंसान आज इस धरती पर बसते थे उनके पूर्वज वो कश्ती में थे। तो क्या आपको नहीं लगता कि उनकी जो सिविलाइजेशन जहां कहीं बसी हुई है वहां कोई ना कोई बात, कोई ना कोई जिक्र वो वाक्य का आएगा कि वो ग्लोबल फ्लड जो आया था, जो दुनिया में जो फ्लड आया था, वो फ्लड की बात कहीं बाप से बेटा, बेटे से बेटा, बेटे से बेटा, कहीं वो बात उन तक पहुंची होगी। तो वो स्टोरी आपको अलग अलग फॉर्म्स में जो बता रहे हैं ध्रुव राठी, मैं इस बात को अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि ये एक बात है जो आप सब देख सकते हैं कि जो कुरान में भी दिया है, बाइबल में भी दिया है, और कितने सारे दूसरे ओल्ड सिविलाइजेशंस में भी इसका जिक्र मिलता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि दुनिया में आज जहां कहीं इंसान है ना, ये उसी कश्ती के सवार लोगों से आए हुए इंसान है। तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि वो स्टोरी के कुछ ना कुछ फॉर्म, जाहिर सी बात है कि अब स्टोरी इतने जमाने से आई है तो कहीं पे एकदम प्योर फॉर्म में मिलेगी, कहीं पे उसके अंदर कुछ करप्शन आएंगे, जैसे हमने एडम की स्टोरी में देखे। और मैं आप सबके सामने ये बात भी रखना चाहता हूँ कि आपको कुरान के वर्जन के अंदर ये बात दिखेगी कि कुरान जो है प्रॉफिट मोहम्मद को दिया गया और 1400 साल चले गए, अनचेंज बुक है ये, अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट रेवोल्यूशन है। इसके बहुत सारे प्रूफ्स हैं, मैं शेयर कर सकता हूं, आप खुद देख सकते हैं, और इसके अंदर प्योर वर्जन मिलेगा। इसके अंदर आपको वो वर्जन जिसके अंदर करप्शन है, जैसे एडम की स्टोरी में देखिए कितने सारे करप्शन हमें मिले,
जो मैंने आपके सामने रखा और बताया कि किस तरह से एक प्योर वर्जन आपको इस्लामिक सोर्सेज में मिलेगा जो कोई भी शख्स देख सकता है। तो ये बात को मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, जैसे मैंने कहा बात चीजें मैं अप्रिशिएट करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं एक क्रिटिक के तौर पर बैठा हूं आज। हाँ जी,